नवा रायपुर के महानदी भवन स्थित मंत्रालय में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में शुक्रवार को साय कैबिनेट की बैठक खत्म हुई। बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि मंत्री परिषद की बैठक में किसानों को उनकी उपज का अधिकतम मूल्य दिलाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम में संशोधन किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2024 का अनुमोदन, नगरीय क्षेत्रों में भूमि प्रबंधन, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2024 और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन को लेकर अहम फैसले लिए गए हैं। पूर्ववर्ती भूपेश सरकार में सरकारी जमीन के आवंटन को लेकर जारी सभी परिपत्रों को साय सरकार ने निरस्त कर दिया है। जमीन आवंटन को लेकर किसी तरह की शिकायत आने पर उसकी जांच कराई जाएगी। मंत्री परिषद की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने दी है। आज मंत्री परिषद की बैठक राज्य के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में मंत्रालय में संपन्न हुई है। मंत्री परिषद ने आज प्रथम अनुपूरक अनुमान 2024-25 का विधानसभा में उपस्थापन के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया है। विष्णुदेव साय जी की सरकार ने आज एक और महत्वपूर्ण निर्णय किसानों के हित में लिया है। किसानों को उनकी फसल का अधिकतम मूल्य प्राप्त हो, इसके लिए छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम में संशोधन किए जाने का निर्णय लिया है। मंत्री परिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इसके माध्यम से अन्य प्रदेशों के मंडी बोर्ड अथवा समिति के एकल पंजीयन तथा अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी एवं प्रसंस्करणकर्ता भारत सरकार द्वारा संचालित ई नाम पोर्टल राष्ट्रीय कृषि बाजार के माध्यम से अधिसूचित कृषि उपज की खरीदी व बिक्री बिना पंजीयन के कर सकेंगे। इससे छत्तीसगढ़ राज्य के किसानों और विक्रेताओं को अधिकतम मूल्य मिल पाएगा। संशोधन के प्रस्ताव के अनुसार मंडी फीस के स्थान पर अब मंडी फीस तथा कृषक कल्याण शुल्क शब्द जोड़ा जाना प्रस्तावित किया है। संशोधन प्रस्ताव के अनुसार कृषक कल्याणकारी गतिविधियों के लिए मंडी बोर्ड अपनी सकल वार्षिक आय की 10% राशि छत्तीसगढ़ राज्य कृषक कल्याण निधि में जमा करेगा और इस निधि का उपयोग नियमों में शामिल प्रयोजन के लिए किया जाएगा। एक और महत्वपूर्ण निर्णय आज के मंत्री परिषद की बैठक में लिया गया, जिसके माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य के नगरी क्षेत्रों में शासकीय भूमि के आवंटन, अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन और भूमि स्वामी हक को प्रदान करने के संबंध में मंत्री परिषद ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए इस संबंध में पूर्व में जारी सभी परिपत्रों को निरस्त किया है, जिसमें राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा नगरी क्षेत्रों में अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन, शासकीय भूमि के आवंटन एवं वार्षिक भू फाटक के निर्धारण एवं वसूली प्रक्रिया संबंधी 11 सितंबर 2019 को जारी परिपत्र, नगरी क्षेत्रों में प्रदत्त स्थायी पट्टों का भूमि स्वामी हक प्रदान किए जाने संबंधी 26 अक्टूबर 2019 को जारी परिपत्र, नजूल के स्थायी पट्टों की भूमि को भूमि स्वामी हक में परिवर्तित किए जाने के लिए 20 मई 2020 को जारी परिपत्र तथा नगरी क्षेत्रों में शासकीय भूमि के आवंटन, अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन और भूमि स्वामी हक प्रदान करने संबंधी जारी परिपत्र शामिल है। मंत्री परिषद की बैठक में निर्णय लिया गया कि इन प्रपत्रों के अंतर्गत जारी आदेशों के तहत आवंटित भूमि की जानकारी राजस्व विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी और इस संबंध में
किसी को कोई आपत्ति या शिकायत हो तो शिकायत प्राप्त होने पर संभागीय आयुक्त इसकी सुनवाई करेंगे। माल और सेवा कर संशोधन अधिनियम विधेयक 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। जीएसटी काउंसिल द्वारा इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के संबंध में आगत कर प्रत्यक्ष लिए जाने के प्रावधान को युक्ति युक्त बनाने एवं पान मसाला गुटखा इत्यादि के विनिर्माण में लगने वाले मशीनों के रजिस्ट्रीकरण के लिए अधिनियम में कुछ संशोधन करने का निर्णय लिया गया था। इस निर्णय के परिप्रेक्ष्य में केंद्रीय माल और सेवा कर संशोधन अधिनियम 2024 15 फरवरी 2024 को अधिसूचित किया है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम 2017 में तदनुसार संशोधन किया जाना प्रस्तावित किया गया है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का 22वां वार्षिक प्रतिवेदन 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक की अवधि के लिए विधानसभा के पटल में रखे जाने हेतु अग्रिम कार्यवाही करने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को अधिकृत किया गया। हम सब ने भी देखा कि अभी आईईडी ब्लास्ट में हमारे मोवा के रहने वाले एसटीएफ के जवान भरतलाल साहू शहीद हुए हैं और उनकी स्मृति को अक्षुण्य बनाए रखने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी ने मोवा बाजार चौक रायपुर का नामकरण शहीद भरतलाल साहू चौक करने की घोषणा उन्होंने की है।